नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसी वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। 6 में बोला है बेटा एक डिस्क है और डिस्क की रेडियस दे दी है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक डिस्क। डिस्क की रेडियस कितना दे दी है? 10 सेंटीमीटर। रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, और एक्सिस जो है रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका। ठीक है, एट एन एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू दे दी है कितनी? 20 रेडियन पर सेकेंड, मतलब इतना सा रोटेट कर रहा है और ये कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा है लीनियर स्पीड आपको बतानी है। लीनियर स्पीड कितनी होगी एट ए पॉइंट ऑन द रिम। तो अब रिम पे कोई भी पॉइंट पकड़ दो, मान लो ये वाला पॉइंट पकड़ दो। अब ये 20 से घूम रहा है, तो हर एक पार्ट के लिए, यहाँ पे कोई भी पार्ट के लिए आप उठाओ, हर एक पार्ट के लिए एक सर्कल में घूम रहा है। तो जब हर एक पार्ट के लिए अगर सर्कल में घूम रहा है, तो रिम वाला जो पार्ट के लिए ये भी सर्कल में घूम रहा होगा। तो इसका स्पीड अगर ड्रॉ करो तो टेंजेंशियल होगा। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा। एंड दिस वी इज इक्वल टू, आप जानते हो कितना होता है v इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा आर। आर कितना है बेटा? तो आर तो ये रेडियस ही है इसका। तो लीनियर स्पीड जो आ जाएगा इसका, सिंपली क्या लिखोगे? v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा इस इंस्टेंट पे कितना दिया हुआ? 20। एंड आर कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये ध्यान रखना है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है आपने, देख लो ये मीटर में रखा एंड ये रेडियन पर सेकंड में रखा। ऐसा यूनिट में रखा तो ऐसा यूनिट में ही आएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड रिम वाले पॉइंट का। नेक्स्ट बोला क्या? एट द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस। अब रेडियस का मिड पॉइंट ले लो आप, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला भी यार सर्कल में घूम रहा था, ये वाला तो इस बड़े से सर्कल में घूम रहा था, सोचो। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, कोई पॉइंट यहाँ पे उठाया मैंने डिस्क का, तो ये वाला तो इस छोटे से सर्कल में घूम रहा होगा। ठीक है, इस छोटे से सर्कल में घूम रहा होगा, तो इसके लिए अब रेडियस तो ये हो जाएगा ना। और ये बोला है मिड पॉइंट, मतलब इसके लिए रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? आर बाई टू हो जाएगा। सिंपली आर बाई टू का मतलब आर की वैल्यू 10 था, मतलब इसका अब रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसका स्पीड जो होगा फिर से टेंजेंशियल होगा। ठीक है, दैट मीन्स वी होगा। अब फिर से ओमेगा, अगर इसके बारे में बात करें, आर तो चेंज हो गया, रोटेशन में क्या सेम रहता है? तो रोटेशन में अगर हर एक पॉइंट को, अगर आप अलग अलग पॉइंट लोगे तो सबका आर चेंज करेगा, बट ओमेगा सबका क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है। ओमेगा कांस्टेंट क्यों होता है बेटा? क्योंकि आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी। ठीक है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मतलब कितना एंगल कवर किया उस ड्यूरेशन में। तो जैसे कि आप सिंपल सा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान लो कि कोई एक रॉड है फॉर एग्जांपल, और ये बेटा रोटेट कर रहा है। तो एक चक्कर में अगर बात किया जाए, एक चक्कर में ये वाला भी 2π रेडियन कवर किया, ये वाला पॉइंट भी कितना एंगल कवर किया एक चक्कर में? 2π तो कवर किया। ये वाला कितना एंगल कवर किया? 2π तो कवर किया। तो थीटा सबके चलते सेम हो रहा है। अच्छा टाइम सोचो, ये रॉड जब यहाँ पे आएगा फाइनली एक चक्कर लगाने के बाद, तो हर एक का टाइम भी सेम होगा। ये भी उतना ही देर में यहाँ पे आया होगा, ये भी उतना ही देर में आपको। तो सब ने क्या किया? थीटा सेम कवर किया सेम टाइम में, तो ओमेगा भी क्या होगा? सेम होगा, ये ध्यान रखना, ओमेगा सेम होगा। बट भी इज रिलेटेड टू व्हाट? आर इनटू ओमेगा। तो ओमेगा तो सेम है, बट रेडियस अगर अलग अलग लेंगे, रेडियस का मतलब डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग लेंगे है ना, मतलब पॉइंट्स अलग अलग लेंगे, तो आर चेंज होगा। तो आर चेंज होगा तो लीनियर स्पीड क्या होगा? चेंज होगा। यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर वही मैं बोल रहा हूँ, ओमेगा सबके लिए सेम होगा। तो सर इसके लिए ओमेगा सेम होगा तो वी अलग अलग होगा। तो वी इक्वल टू फिर से क्या करेंगे? ओमेगा इंटू आर, लेकिन अब आर की जगह पे कितना है बेटा? आर बाई टू, मिड पॉइंट बोला ना। तो ओमेगा कितना है? ओमेगा तो सेम ही है सर, 20 रेडियन पर सेकेंड, और आर बाई टू की वैल्यू आपने निकाला है 5 है ना, 5 लेकिन सेंटीमीटर है ना, 100 से डिवाइड कर लो तो मीटर में आ जाएगा। तो ये 20 से 20 25 100, 5 से 5 गया तो आ गया 1, एंड सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है तो 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, और यहाँ पर भी कर सकते थे आप, सिंपली आर को आधा किया तो भी आधा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर मैच कर लेता हूँ मैं।
मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।